आज मैं इस वीडियो में नागरिकता संशोधन बिल और आसाम NRC ड्राफ्ट के ऊपर बताऊंगा। आखिर में ये भी बताऊंगा क्यों भारत को बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर पर मेक्सिको वॉल की तरह बांग्लादेश वॉल बनाना चाहिए। देखिए, ये वीडियो बनाने के मकसद किसी भी देश, जाति और धर्म के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए नहीं है। मैं बस मेरा बात रख रहा हूँ। आपको पूरा हक है मेरे बात पर असहमत होने के। अब आते हैं नागरिकता संशोधन बिल और आसाम NRC ड्राफ्ट के ऊपर। देखिए, ये दोनों चीज़ अलग है और इसको लेकर विरोध का कारण भी अलग है। पहले बात करते हैं नागरिकता संशोधन बिल के ऊपर। दरअसल प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की एक चुनावी रैली में बांग्लादेशी घुसपैठियों से बोरिया बिस्तर बांधने को कहा था। नरेंद्र मोदी के इस चुनावी भाषण का 2016 के आसाम विधानसभा चुनाव पर काफ़ी असर पड़ा। नतीजतन उस समय 5 विधायकों वाली बीजेपी राज्य की कुल 126 सीटों में से सीधे 61 सीटें जीतने में कामयाब रही और पहली बार आसाम में पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन अब आसाम में नागरिकता संशोधन विधेयक का जोरदार विरोध हो रहा है। इस विधेयक का विरोध कर रहे जातीय संगठनों का कहना है कि अगर मोदी सरकार के इस प्रस्तावित कानून को संसद की मंजूरी मिल जाता है तो आसाम की भाषा, साहित्य और संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो कैसे, आपको समझाता हूँ। नागरिकता संशोधन बिल 2016 में संसद में पेश किया गया था, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कई राजनीतिक दल बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, पर सरकार का कहना था मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले से ही दो देश बन चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश है, इसलिए सरकार मुस्लिम समुदाय को इस बिल में आड़ नहीं किया है। इसके साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लगातार अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है और उनकी पॉपुलेशन भी घटती जा रही है, इसलिए भारत उनका नेचुरल होमलैंड बनता है। अगर भारत उनको नहीं अपनाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। देखा जाए तो सरकार का कहना बिल्कुल सच है, मगर प्रॉब्लम हो रही है आसाम में। आसाम के लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी इस नागरिकता बिल को लेकर है, क्योंकि अगर नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिलती है तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC की वैल्यू एक तरह से खत्म हो जाएगी। आसाम के मूल स्वदेशी लोगों का आशंका है कि पड़ोसी मुल्क से लाखों हिंदुओं को अगर यहाँ बसा दिया गया तो आसाम की जाति, भाषा और उनकी संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आसाम के जातीय संगठनों की मांग है कि आसाम समझौते की शर्त के अनुसार 1971 के बाद बांग्लादेश से आए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकाला जाए, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। दरअसल आसाम में बांग्लादेशी नागरिकता का मुद्दा दशकों पुराना है। इसके खिलाफ साल 1979 से 6 साल तक चले हिंसक आंदोलन के बाद 1985 में आसाम और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके नतीजे में तय हुआ कि 1951 से 71 के बीच आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी और 1971 के बाद से राज्य में आने वाले तमाम गैरकानूनी अप्रवासियों को विदेशी घोषित करके राज्य से निकाल दिया जाएगा। 1971 के बाद लाखों बांग्लादेशी हिंदू आसाम में आकर बस गए थे। कुछ अनुमानों के मुताबिक 1971 के बाद तकरीबन 20 लाख बांग्लादेशी हिंदू गैरकानूनी तौर पर आसाम में आकर रहने लगे। कांग्रेस समेत बाकी विरोधी दल बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे कि सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए नागरिकता संशोधन बिल को ला रहा है। देखा जाए तो ये सच नहीं है। आसाम में 14 लोकसभा सीट में से सिर्फ 2 सीट पर बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं का प्रभाव ज़्यादा है। अब बात करते हैं आसाम NRC ड्राफ्ट क्या है, इसको लेकर क्यों विरोध हो रही है। देखिए, आसाम में आज से 4 महीने पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC का अंतिम मसौदा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लगभग 40 लाख लोगों को अवैध माना गया है। इस तरह से 40 लाख से ज़्यादा लोगों को अब बेघर होना पड़ेगा। दरअसल आसाम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को रोकने के लिए सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC अभियान चलाया है। दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में गिने जाने वाला ये कार्यक्रम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर आधारित है, जिसके तहत इंसान भारत का है या नहीं उसका पता लगाया जाएगा और जो लोग इसमें नहीं आएंगे उनकी पहचान पता करके उनके देश भेजा जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक आसाम में करीब 50 लाख बांग्लादेशी गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वहां से पलायन कर रहे लोग भारी संख्या में भारत भाग आए। इस कारण स्थानीय लोगों और घुसपैठियों में कई बार हिंसक वारदातें हुई है। देखिए, अब विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि आसाम के लोग चाहते हैं हिंदू, मुसलमान या फिर किसी भी धर्म के लोग हो
जो आसाम के नहीं हैं उन्हें बांग्लादेश भेजा जाए। आसाम की मुस्लिम संगठन ये चाहती है कि एक भी मुसलमान को बांग्लादेश ना भेजा जाए। हमारी सरकार चाह रही है जल्दी से जल्दी नागरिकता संशोधन बिल संसद में पास हो ताकि सिर्फ मुसलमानों को ही बांग्लादेश भेजा जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश ना ही हिंदू ना ही मुसलमान किसी को भी अपने देश में रखना चाहता है। बांग्लादेश का कहना है कि ये भारत का प्रॉब्लम है, भारत उसे सॉल्व करे। तो अब आप बताइए, जब बांग्लादेश इन 40 लाख लोगों को अपने नागरिक नहीं मान रहा है तो हमारी सरकार इतने सारे लोगों को कहाँ भेजेगी? क्या समंदर में फेंकेगी? देखिए, सब गलती है 1971 में कांग्रेस सरकार की। अगर तब भारत ये सब नागरिकों को बांग्लादेश भेज देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर तब से आज तक राजनीतिक पार्टियों अपनी वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को सपोर्ट करती आ रही है। देखिए, सच कहे तो इन सब लोगों को देश के बाहर निकालना नामुमकिन है, लेकिन अब सरकार कुछ ऐसा कदम उठा सकती है ताकि आगे बांग्लादेश से लोग अनुप्रवेश करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना आ सके। सबसे पहले ये सब लोगों की वोट देना अधिकार को ख़त्म करना होगा ताकि राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। इससे ये सब लोगों को राजनीतिक सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा। दूसरा, हमारे देश के संसाधन पर ये सब लोगों का दूसरा अधिकार होना चाहिए। पहला अधिकार आसाम के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। अब बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा था मेक्सिको वाल की तरह बांग्लादेश वाल बनाना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ आसाम में 50 लाख बांग्लादेशी होने से कितना प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पश्चिम बंग और उड़ीसा को ऐड करें तो ये आंकड़ा और 10-20 लाख ज़्यादा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण बांग्लादेश की 15% जमीन को समंदर निकल जाएगी, जिससे 3 करोड़ लोग अफेक्टेड हो गए। सी लेवल बढ़ने के कारण देश भर में हमेशा फ्लड रहेगा, तब ये सारे लोग भारत की तरफ ही आएंगे। सोचिए तब हमारे देश पर कितना बुरा असर होगा। अब कुछ दोस्त बोल सकते हैं, तुम कितना अमानवीय बात कर रहे हो, प्रॉब्लम में फंसे लोगों के लिए तुम हमारे देश की दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रहे हो। देखिए, 1947 में वो अपना हिस्सा ले चुके हैं हमसे अलग होकर, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठेका हमने नहीं ले रखा है। 2050 तक हमारे देश में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा। जनसंख्या लगभग 160-170 करोड़ होगा। इतने सारे लोगों के लिए रोजगार, खाना पीना और एक बेहतर ज़िंदगी मुहैया करना आसान बात नहीं है। अगर तब बांग्लादेश की तरफ से करोड़ लोग आएंगे, आप समझ सकते हैं हमारे देश पर कितना दबाव पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अब से समय रहते ही सरकार कुछ नहीं किया तो आने वाला कल बहुत खतरनाक होगा। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए, हमारी सरकार को बांग्लादेश वाल बनाकर बॉर्डर को बंद कर देना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।